नमस्कार। मध्यरात्रि में पुनः एक वीडियो लेकर आपके समक्ष, एक और नहीं छात्रवृत्ति के संदर्भ में, जो आप सभी के लिए है और कई देशों के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, देशद्रोही, पूर्व के वीडियो के अंतर्गत दी गई जानकारी जो कि दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति के संदर्भ में थी, उस वीडियो को आपने पसंद किया, सराहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम शुरू कर रहे हैं और बात कर रहे हैं एक ऐसी फेलोशिप के बारे में जो कि कई मुल्कों के विद्यार्थी इसको भर सकते हैं और कई विषयों से संबंधित विद्यार्थी भी इसको भर सकते हैं। क्या है फेलोशिप, क्या योग्यता है, कब तक है और ये सब जानकारी इस वीडियो में। जानकारियाँ बहुत लंबी है, इसलिए वेबसाइट का नाम क्लियरली मैं बताऊँगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे भी दूंगा, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद सुविधा होती है तो मुझे बताइएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। फेलोशिप का नाम सबसे पहले गूगल PhD फेलोशिप प्रोग्राम 2021। जी हाँ, आपने सही सुना, गूगल PhD फेलोशिप प्रोग्राम 2020। अब आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे ही PhD फेलोशिप आया कि ये PhD केवल PhD विद्यार्थियों के लिए है, ऐसा नहीं है। PhD विद्यार्थियों के लिए मस्ट है, उनको पहले तवज्जो दी जाएगी कुछ कामों के लिए, कुछ क्षेत्रों में लेने के लिए है फेलोशिप। अन्य डिग्रीधारी विद्यार्थियों के लिए भी है, किन अन्य डिग्रीधारी विद्यार्थियों के लिए है वीडियो आगे आपको बताया जाएगा। शुरू करते हैं पूरी जानकारी। पहली चीज, जब आप संपूर्ण फॉर्म को वेबसाइट पर जाकर भरेंगे तो एक समस्या भी हो सकती है, या कहें कि विकल्प है, वह समस्या नहीं है, उसका विकल्प भी है आपके पास, ट्रांजेक्शन की सुविधा मिल जाती है कहीं ना कहीं से। संपूर्ण फॉर्म को आपको अंग्रेजी माध्यम में ही भरना होगा। जी हाँ, सही सुना आपने, संपूर्ण फॉर्म को अंग्रेजी माध्यम में ही भरना होगा। जैसा कि मैंने वीडियो के पूर्व में कहा, वीडियो का वेबसाइट का पूरा लिंक, किस प्रकार से आपको वेबसाइट को सर्च करना है, वेबसाइट में कहाँ आपको फॉर्म मिलेगा और क्या उसके FAQ है, यानी कि फैक्ट एरर क्वेश्चन है, वो भी इसमें दिए गए हैं। जो समस्या आती है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझ में नहीं आता है, ट्रांसलेशन के माध्यम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, तब उसका जवाब दीजिएगा। तो कई प्रकार के सवाल जवाब भी आपसे किए जाएंगे फॉर्म भरने के दौरान, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और तीसरा, यह चीज जिस फेलोशिप के बारे में मैं बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि कई देशों के विद्यार्थी इसको भर सकते हैं, इसी प्रकार से गूगल ने जो ये फेलोशिप निकाली है, इसको लगभग गूगल ने 3 क्षेत्रों में या 3 कंट्रीज में बांटा है, और जो इंडिया है उसके अंतर्गत दूसरी कंट्री में आता है, अफ्रीका एंड इंडिया। जी हाँ, अफ्रीका और इंडिया को एक ग्रुप में डाला है गूगल ने इस फेलोशिप के लिए। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो छात्र छात्राएँ अफ्रीकी देशों में रहते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, उन सभी के लिए इस फेलोशिप को भरने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है। जी हाँ, आपने सही सुना, जो भी छात्र छात्राएं अफ्रीकी कंट्रीज में रहते हैं या रहती हैं, उन सभी के लिए इसकी जो अंतिम तिथि है 15 अप्रैल मिडनाइट रखी गई है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जो विद्यार्थी इंडिया में रहते हैं उनके लिए इसकी अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2020 मध्यरात्रि 11:59 पर रखी गई है, तो इस बात का ध्यान रखिए, ये है इसकी अंतिम तिथि। अब बात करते हैं डिग्री धारी। जैसा कि फेलोशिप प्रारंभ में बताया था कि ये फेलोशिप केवल और केवल PhD धारकों के लिए नहीं है, अन्य डिग्री धारी भी इसमें भाग ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से अन्य डिग्री धारी हैं? पहला, UG, स्नातक स्तर का कोई भी व्यक्ति या छात्र छात्राएं भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से हो, वह इसमें अप्लाई कर सकता है। किसी ऐसे छात्र छात्रा ने अगर 2 डिग्रियां की है, ड्यूल डिग्री की है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है और दोनों डिग्री शो भी कर सकता है, जब इसमें आप अपना एक रिज्यूम लगाएंगे दस्तावेज के रूप में, आपको अपना एक से दो पेज का रिज्यूम भी लगाना है, उसमें आप दोनों डिग्री शो भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वह 12 डिग्री आपकी स्नातक की भी हो सकती है और परास्नातक की भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो स्पष्ट है कि UG और PG स्तर के विद्यार्थी भी इस फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। UG पहला, PG दूसरा, ड्यूल डिग्रीधारी तीसरा, PhD स्कॉलर इसको भर सकते हैं। एक बात मैं विशेष रूप से बता दूं कि जो विद्यार्थी छात्र छात्राएं स्टेट से हो, सेंट्रल से हो, डीम से हो, PhD धारी हैं, उन सभी का कोर्स और जितने और भी डिग्रीधारी हैं, यूजी हो, पीजी हो, ड्यूल हो या PhD, सभी का कोर्स रेगुलर होना चाहिए। डिस्टेंस मोड वाले विद्यार्थी इसको नहीं भर सकते हैं,
ध्यान रखिएगा, साफ साफ क्लियर कट रूल्स में दिया गया है। ऐसे वे विद्यार्थी ना भरे जो डिस्टेंस मोड से अपनी कोई डिग्री लिए हैं। यदि आपने रेगुलर मोड से फुल टाइम मोड में कोई डिग्री हासिल की है, किसी भी विश्वविद्यालय से हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो इंडिया के, आप आवेदन कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक अन्य चीज, और कौन इसको अप्लाई नहीं कर सकता है, कौन कर सकता है वह तो बताऊंगा, लेकिन कुछ व्यक्ति या वर्ग या संस्थाएं हैं जो इसको अप्लाई नहीं कर सकती हैं, तो उनको जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे, बहुत से सूचनाएं मिलेंगी कौन सी सही हैं, किन की गलत हैं, और आपको छांटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ मोटी मोटी बातें आपके लिए मैंने निकाली हैं। जो भी ऐसे छात्र छात्रा हैं या कर्मचारी जो कि गूगल में काम करते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है, उसमें जो भी काम करते हैं, किसी भी प्रकार का सरकारी ए प्राइवेट काम, वह कोई भी कर्मचारी या उनकी संतानें, उनके बच्चे चाइल्ड इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, पात्रता नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक यही कंडीशन है कि इसको अप्लाई ना करने की, और जिन किसी भी छात्र छात्राओं का कोर्स रेगुलर मोड में नहीं है, वह भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार दो ही प्रकार के वर्ग हैं जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहला जो गूगल में कार्यरत कर्मचारी हैं वह एवं उनके बच्चे, और दूसरा जिन किसी का भी कोर्स या पाठ्यक्रम रेगुलर मोड में नहीं है, फुल टाइम में नहीं है, वह इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक ईमेल आईडी भी दूंगा जो गूगल की है, यदि आपको कोई समस्या होती है, कुछ क्वेरीज करनी है, उस पर आप उनको मेल भेजिए, वो आपको जवाब देंगे। क्योंकि इंटरनेशनल स्तर की ये फेलोशिप है, इसलिए कोई फ़ोन नंबर नहीं दिया है, इन्होंने अपनी एक ईमेल आईडी दी है, उस पर जाइएगा और आपने कोई समस्या है तो पूछिएगा, और यदि उसके बाद भी कोई जवाब ना मिले तो मैं तो बैठा ही हूँ आपके लिए, कोरोना से मुक्त हूँ, आप भी कोरोना से मुक्त रहिए। हम बात करते हैं और अन्य जानकारियों की। पुनः मैं एक चीज़ रिपीट कर दूं कि इंडियंस के लिए, यानी कि जो भारत के निवासी हैं, उनके लिए 27 अप्रैल मिडनाइट अंतिम तिथि है, और जो अफ्रीकी कंट्रीज़ में रहने वाले मेरे रहवासी, मेरे भाई बहन हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे अग्रज हैं, उन सभी के लिए 15 अप्रैल 2020 मिडनाइट अंतिम डेट रखी गई है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। एक अन्य चीज़, यह फेलोशिप आपको 4 वर्षों के लिए ही दी जाएगी। जी हाँ, 4 वर्षों के लिए, 4 ईयर्स के लिए ये फेलोशिप आपको दी जाएगी। क्या काम होगा, किस प्रकार से वह काम लेगा, ये बात की बात है जब आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद के चरणों में आपको पता लगेगा। एक अन्य बात कि जब आप पूरा फॉर्म भर लेंगे और जब आपको इसके अगले चरण में जाना होगा, तो गूगल की तरफ से आपका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार लिया जाएगा। जी हाँ, ये इसके सिलेक्शन का प्रोसेस है, कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको किसी प्रकार के एग्ज़ाम को क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर कोई एक ऐसा एग्ज़ाम जो आपने पूर्व में क्लियर किया है उसके आधार पर ये फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अर्थात यदि आपके पास नेट नहीं है, सी टेट नहीं है, बी एड नहीं है, या कोई भारतीय एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन लेवल का अगर नहीं है, वो इसमें नहीं मांगा गया है। यानी कि एम ए और बी ए विद्यार्थी इसको भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप ऐसा समझें कि मेरे पास नेट या JRF, RGNF, CSR के कोई फेलोशिप, ICSR के कोई फेलोशिप नहीं है तो मैं इसके एलिजिबल नहीं हूँ। इस चीज़ों को अपने कान से और दिमाग से निकाल दीजिए। आपको BA, MA, PhD धारक होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स करा होना चाहिए, गूगल में आप कार्यरत कोई भी सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी नहीं होने चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। अन्य चीज़ पर आते हैं, जानकारियाँ बहुत हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए स्पीच की स्पीड मेरी तेज़ है और कम बातें बताऊंगा। आपको वेबसाइट पर जाके संपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, उसके बाद भी यदि कुछ समझ में नहीं आती हैं चीज़ें तो मुझे मैसेज करिएगा, ईमेल करिएगा, आपको बताया जाएगा। अन्य बात, आपको फॉर्म मिलेगा कैसे, कहाँ मिलेगा? सबसे पहले आप वेबसाइट का नाम डालिएगा, www.research.google, आप डालेंगे, वेबसाइट खुलेगी। उसके बाद वेबसाइट टाइमलाइन पर ही ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, होम होगा, रिसर्च होगा, पब्लिकेशन होगा, ऐसे कुछ होंगे। उसमें एक ऑप्शन होगा आउटरीच, OUT, जी हाँ, OUTREACH, OUTREACH, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक लिंक खुलेगा, एक ऑप्शन खुलेगा, उसका नाम है गूगल PhD फेलोशिप प्रोग्राम। आपने सही सुना,
आउटरीच पर क्लिक करने के बाद आपको एक कॉलम एक लिंक मिलेगा, अन्ना ऑप्शन खुलेगा गूगल पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा और नीचे एक ऑप्शन आएगा ब्लू कलर में लिखा हुआ लर्न मोर। जी हाँ, लर्न मोर वाले ब्लू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद संपूर्ण जानकारियाँ खुलेंगी आपको, आप उस पर धैर्य से पढ़िएगा। लंबी चौड़ी जानकारियाँ हैं, गूगल ट्रांसलेशन की मदद से, अपने किसी फ्रेंड की मदद से सभी जानकारियों को पढ़िएगा, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ सवालों के जवाब एक से दो वर्ड्स में देने हैं, कुछ सवालों के जवाब आपको MCQ में देने हैं और कुछ सवालों के जवाब आपको 200 से 300 वर्ड में भी देने हैं। तो इसीलिए सवालों को समझना और अच्छे से समझना बेहद ज़रूरी है। नियमावली को अच्छे से पढ़िएगा, जानिएगा, तभी फॉर्म भरिएगा, ना कि तो आपकी शिकायत मुझसे भी रहेगी और गूगल नामक इस संस्था से भी रहेगी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या इंटरव्यू के लिए आपको कॉल या मेल नहीं आया है। इसलिए नियमावली को ध्यान से पढ़े, धैर्यता से पढ़े, तभी फॉर्म भरें, क्योंकि बहुत डेट है लगभग, जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ 19 मार्च को, संपूर्ण लगभग सवा महीना है आपके पास। तो जल्दबाजी ना करें, अनलिमिटेड सीट्स हैं, इस बात का ध्यान रखें। और लगभग 50 से अधिक कोर्सेज के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं उसमें से 5-6 के नाम मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसका ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि फॉर्म भरते वक्त क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें फॉर्म भरते वक्त आपसे मांगी जाएंगी या मांगी जा सकती हैं, उस बात का ध्यान रखिए। तो हम बात करते हैं उन चीज़ों की। सबसे पहली चीज़, रिज्यूम बायोडाटा, 1 से 2 पेज का इन शॉर्ट आपका बायोडाटा आपके पास होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, इंडियंस के लिए भी है, अफ्रीकन्स के लिए भी है, आपका बायोडाटा मांगा जाएगा। यदि नहीं मांगा जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, जो नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है, मैंने 2 ही चरण इसके भरे हैं, आगे के स्टेप नहीं भरे हैं अभी तक, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने संपूर्ण सूचनाएं नियमावली पढ़ी है, उनके आधार पर ये वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ। रिज्यूम तैयार रखिएगा। दूसरी चीज, अपनी मार्कशीट, यदि आप पीएचडी धारक हैं उसकी मार्कशीट का कोर्स वर्क। और हाँ, एक चीज़ और मैंने साथ बताना भूल गया या ध्यान से उधर गई, जो भी विद्यार्थी लड़का या लड़की पीएचडी में एनरोल है, उनका 1 वर्ष कंप्लीट होना ज़रूरी है, फुल टाइम मोड पे वही इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 महीने हुए हैं पीएचडी के लिए तो शायद इस पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको विकल्प देती है ये फेलोशिप, आप पीएचडी स्तर पर ना होकर यूजी या पीएचडी स्तर, यूजी या पीजी स्तर पर इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा। आप अपनी डिग्री को पीएचडी शो मत करिए, एक यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के नाते आप फॉर्म भरिए और अंतिम डिग्री के रूप में एमए दिखाइए, उसकी मार्कशीट इसमें हो सकता है, इसमें ना मार्क्स मांगे या उसकी मार्कशीट अटैच करने के लिए मांगे, क्योंकि पीएचडी के लिए साफ साफ नियमावली में कंडीशन दी हुई है कि 1 वर्ष कंप्लीट होना आपका बेहद ज़रूरी है। कोर्स वर्क का रिजल्ट आ चुका है मायने नहीं रखता, लेकिन 1 वर्ष कंप्लीट होना आपके एनरोलमेंट की डेट से मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, रिज्यूम आपका होना चाहिए 1 से 2 पेज का यदि मांगा जाए, और दूसरी चीज़ मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ आपके पास आपके विभाग के हेड की तरफ से या VC की तरफ से या रजिस्ट्रार यानी किसी वैसे सरकारी अधिकारी की तरफ से जो आपके पक्ष में कह सके कि आप इस विश्वविद्यालय के महाविद्यालय की यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उसका एक रिकमेंडेशन लेटर यानी कि प्रपत्र, आज्ञा पत्र, अनुमति पत्र होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। वह आपका हेड भी हो सकता है विभाग का, आपका डीन भी हो सकता है, रिसर्च स्कॉलर तो गाइड भी हो सकता है, इन तीनों की गैर मौजूदगी में आपके यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार हो सकता है या वाइस वीसी हो सकता है या वीसी हो सकता है, इन बात का ध्यान रखिएगा। इसमें से किसी भी एक अधिकारी का रिकमेंडेशन लेटर, परमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए, आपसे मांगा जाएगा अटैच करने के लिए दस्तावेज के रूप में इस फेलोशिप को भरने के लिए। अगली चीज, एक आपको अपना सिनॉप्सिस यानी कि रिसर्च प्रपोजल तैयार करके अटैच करना है। गंभीर समस्या नहीं है, जो पीएचडी धारक हैं अप्लाई करेंगे वह जानते हैं क्या होता है रिसर्च प्रपोजल, क्या उसके डायमेंशन होते हैं, लेकिन आप एक इंटरनेशनली स्तर की फेलोशिप अप्लाई कर रहे हैं
तो अपने कानों को, दिमाग को, जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं, चक्षु हैं, उसको खोल कर धैर्य से सुनिए, समझिए कि आप इंटरनेशनल स्तर की फेलोशिप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनली मानकों के आधार पर आपको अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। क्या उसके चरण हैं, क्या उसके पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या विशेष बातें उसमें लिखी जाती हैं रिसर्च प्रपोजल में, उस आधार पर रिसर्च प्रपोजल अगर नहीं बनाया है, पूर्व का कोई बनाया हुआ है, उसी को मत लगा दीजिएगा। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। ये एक इंटरनेशनल स्तर की फेलोशिप है मेरे बंधुओं, मेरी बहनों, मेरे साथियों। तो इंटरनेशनली मानकों के आधार पर आप तय करिए, अपने सिनॉप्सिस में मॉडिफाई मॉडिफिकेशन कीजिए, एडिटिंग कीजिए, जानकारों से सलाह लीजिए, तभी आप रिसर्च प्रपोजल लगाइएगा। और 8 पेजेस का होना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। देखिए 8 पेज से अधिक नहीं लगा सकते हैं और 4 पेज से कम नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा। क्या बिंदु हैं आपको नेट पे मिल जाएगा, यदि नहीं मिलता है, आपको नहीं आता है बनाना, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, ईमेल पे या कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालिएगा, मैं आपको बताऊंगा। चाहे हिंदी के विद्यार्थी रहे हों, हिंदी भाषी रहे हों या अंग्रेजी भाषी रहे हों, मैं सारे पॉइंट आपको बताऊंगा, क्या क्या चरण होते हैं, क्या स्टेप होते हैं और कौन से स्तर पे एरा एंड बेरा, ये रिसर्च के एथिक्स नाम की 2 संस्थाएँ हैं, एक अमरीका में है, एक ब्रिटेन में है, इनके क्या नॉर्म्स हैं, क्या कंडीशन है, दोनों के आधार पे आप किस प्रकार का सिनॉप्सिस डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपके सिलेक्शन को बेहतर तरीके से वह समझें और स्वीकार करें और आपका साक्षात्कार लिया जाए। अंतिम चीज़ और लास्ट चीज़ मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, मार्कशीट चाहिए और रिज्यूम चाहिए और सर सिनॉप्सिस यानी कि प्रपोजल चाहिए। चौथी और लास्ट चीज़ जो बेहद ज़रूरी भी है, शायद इसके अभाव में आपका फॉर्म सिलेक्ट भी नहीं होगा और आप अगले दौर में भी नहीं पहुंचेंगे, वह है कम से कम 300, ज़्यादा से ज़्यादा 350 शब्दों में आपको लिखकर उनको बताना है कि ये फेलोशिप के लिए आप क्यों योग्य हैं, आप में ऐसा क्या है जो अन्यों में नहीं है, ये फेलोशिप आपको दी जाए और आपका उद्देश्य क्या है इसको हासिल करने का, आपका इंटरेस्ट क्यों है इस फेलोशिप को लेने के लिए, यह है आपको लिखित में उनको बताना है अंग्रेजी माध्यम में। तो ध्यान रखिएगा, आप रोमन अंग्रेजी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं है कि रोमन अंग्रेजी का प्रयोग करके आनी आपकी लिपि तो अंग्रेजी रहे लेकिन जो वर्ड हैं उसका अर्थ हिंदी में निकले, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे कल बोल रहा हूँ तो कल का मतलब टुमारो ही होगा, नेक्स्ट ही होगा, कल का मतलब KAL, ये कल नहीं चलेगा क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं है, रूल्स बुक में नहीं दिया हुआ है। तो 350 शब्दों में आपको लिखना है कि ये फेलोशिप क्यों चाहिए, आपकी रुचि क्यों है और आप अन्य लोगों से किस प्रकार डिफरेंट हैं इस फेलोशिप को प्राप्त करने के लिए, तो आपको बताना है। ये 5 मूल दस्तावेज हैं जो आपको लगाने हैं और आपको बताए, पुनः मैं रिपीट कर दूं, 350 शब्दों में अपने विचार देने हैं, ये फेलोशिप क्यों चाहिए, क्यों इंटरेस्टेड हैं और आप विशेष क्यों हैं। 8 पेजेस का ज़्यादा से ज़्यादा एक सिनॉप्सिस, एक प्रपोजल लगाना है। दूसरी चीज़ आपको, तीसरी चीज़ आपको अपनी मार्कशीट लगानी है, जो भी अंतिम डिग्री रही हो और जो PhD धारक है, कम से कम 1 वर्ष पूरा और हो चुका है रेगुलर मोड से, तभी अप्लाई करें। अंगूठा दिखाने का मतलब यही है कि इसको चाहे सही समझें या गलत समझें, 1 साल पूरा हो चुका है PhD धारक को तो ही लगाएं, कोर्स वक्त के रिजल्ट से काम नहीं चलेगा। एनरोलमेंट की डेट से लेकर जब इसकी अंतिम तिथि है 27 अप्रैल, यदि उससे 1 दिन पूर्व भी आपका 1 साल पूरा हो चुका है तो इस फेलोशिप का भरने के लिए एलिजिबल है, ध्यान रखिए। अगली चीज़, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपको और इन शॉर्ट आपका एक रिज्यूम बायो डेटा चाहिए। ये थे इसके मूल दस्तावेज जो आप लगा सकते हैं। अंतिम तिथि आपको बता दी है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए वह आपको बता दिए हैं, कौन कौन से कोर्स धारक डिग्रीधारी इसको भर सकते हैं वह बताया गया है, कौन नहीं भर सकता है वह भी बताया है। जो लोग गूगल में कार्यरत कर्मचारी हैं वह नहीं भर सकते हैं और जिन भी विद्यार्थियों का कोर्स रेगुलर मोड से नहीं है वह भी नहीं भर सकता है, चाहे वो अफ्रीकी कंट्रीज के रहे हों चाहे इंडिया के रहे हों, ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, जिन किसी भी विद्यार्थियों का MPhil है वे नहीं भर सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री जिस किसी के भी पास है वह नहीं भर सकता है, क्योंकि ये गूगल रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है और ये इंटरनेशनल स्तर का प्रोग्राम है, भारत के अलावा किसी अन्य मुल्क में MPhil अगर नहीं होती है तो कोई लॉजिक रहा होगा, और भारत में MPhil होती आई है तो अपने शोध निर्देशकों से, अपने प्रशासन से पूछिए कि हमको MPhil क्यों कराई जाती है जबकि अन्य जगह या देशों में मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए जो भी MPhil धारक हैं वह इसको नहीं भर सकते हैं, जिनका PhD का 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है वह भी नहीं भर सकते हैं। तो ये दोनों ही
कैटेगरी के बच्चे अपनी एमए की डिग्री पे या बीए की डिग्री पे ही इसके लिए एलिजिबल हैं, इसको भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये एमफिल के लिए चाहे प्लस कह लो या नेगेटिव कह लो, जिनका एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है पीएचडी में उनका चाहे नेगेटिव कह लो या पॉजिटिव कह लो, एमफिल और पीएचडी जिनका पीएचडी का एक वर्ष नहीं हुआ है सभी को एमए के स्तर पे यानी कि एमए के आधार पर ये फेलोशिप के लिए आवेदन करना होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की कोर्सेज की, जो इस वीडियो का अंतिम भाग है। वीडियो बेहद लंबा ना हो जाए, कम से कम बताने का प्रयास कर रहा हूँ और महत्वपूर्ण जानकारी मुझसे ना छूटे जो फॉर्म भरते वक्त आपको हानिकारक हो सकती है वह भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। विषयों पर आते हैं, सब्जेक्ट्स पर आते हैं, पाठ्यक्रम पर आते हैं कि कौन कौन से ऐसे विषय वाले विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं अफ्रीकी कंट्रीज़ के और इंडियंस के जो इसको भर सकते हैं। मैंने कहा कि लिस्ट बहुत लंबी है, जब आप फॉर्म भरेंगे आपको बतेरे कोर्स मिलेंगे, कम से कम 30 से 45 कोर्स मिलेंगे आपको, जिसमें आपको चयन करना है आप किस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और इसको आवेदन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें स्कोप है उसकी सुनिए, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी बेझिझक भरें, अच्छा चांस है। कंप्यूटर साइंस का सबसे ज़्यादा स्कोप है, यानी कि जिनका कंप्यूटर साइंस विषय है वह सबसे ज़्यादा स्कोप है। इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, टेक्नोलॉजी है, बायो है, केमिस्ट्री है, एजुकेशन है, मीडिया है, लिटरेचर है, लैंग्वेज है, सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिसी है, डेवलपमेंट स्टडीज़ है, रूरल डेवलपमेंट है, मोबाइल इंजीनियरिंग है, प्रिंटिंग है, डेटा माइनिंग है, डेटा सर्चिंग है, एडिटिंग है, मास कम्युनिकेशन विथ मीडिया है, मास मीडिया पॉलिसी मेकिंग है, डिज़ाइन मीडिया है। ये वे कोर्स हैं जो मुझे ऑरली याद हैं, देखकर मैं हर चीज़ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि जैसे ही देख के बोलते हैं फ्लो टूट जाता है, शब्दों की वो तारतम्यता वो गंभीरता नष्ट हो जाती है। इसलिए जो मैंने अध्ययन किया है, जिन विषयों को मैंने समझा है या जो मुझे लगते हैं कि आपको भरने चाहिए, अधिकांश इसकी संख्या है। एजुकेशन अच्छा विषय है, इंजीनियरिंग अच्छा विषय है, मीडिया अच्छा विषय है, लैंग्वेज अच्छे विषय है। अधिकांश मेरे व्यूअर्स, मेरे पाठक, मेरे दर्शक इन क्षेत्रों से संबंधित हैं, वे सभी इस कोर्स इस फेलोशिप को भरें और अपना लाभ लें और 4 वर्ष का ये फेलोशिप कार्यक्रम में ध्यान रखें। जो मैंने पूर्व का वीडियो बनाया था एक दिल्ली फेलोशिप के संदर्भ में, वह 2 वर्ष के लिए थी। पूर्व वीडियो बनाया था मैंने गांधी फेलोशिप के संदर्भ में, वह भी 2 वर्ष के लिए था। अजीम प्रेम जी के लिए जो वीडियो बनाया था वह जॉब थी, वह भी कम से कम 2 से लेकर 5 वर्षों के लिए थी। तो ये फेलोशिप 4 वर्षों के लिए है, ध्यान रखिएगा। एज लिमिट के लिए कोई इसमें जानकारी नहीं दी गई है अभी तक, क्योंकि एम्प्लॉय भी भर सकते हैं, जो लोग पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं वे भी भर सकते हैं, पीडीएफ कर रहे हैं वह भी भर कर सकते हैं, जिनका पीएचडी का 1 वर्ष पूरा हो चुका है वे भी भर सकते हैं। कौन नहीं भर सकता है मैंने स्पष्ट कर दिया है, जिनका एमफिल है वे नहीं भर सकते हैं, जिनका पीएचडी का 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है वे नहीं भर सकते हैं, जिनका कोई भी कोर्स रेगुलर मोड में नहीं है वे नहीं भर सकते हैं, और जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनके सभी कोर्स फुल टाइम होने चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होने चाहिए। और जो लोग गूगल में कार्यरत हैं वह भी इस फॉर्म को यानी कि फेलोशिप को नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई जानकारी अस्पष्ट आपको मेरे द्वारा बतलाई गई हो, संदिग्ध हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ईमेल आईडी लिखिए और अपने व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में देंगे या ईमेल आईडी देंगे तो आपको जवाब उस पर भी दिया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो आगे तक शेयर करें, नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि जानकारियाँ अभी तक कोई आपको पसंद ना आई हो, सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को तो अनसब्सक्राइब करके आगे चले जाएँ, मुझे आपका दिमाग और समय दोनों ही वेस्ट करने का शौक नहीं है। जानकारी अच्छी लगी तो आगे बढ़ाइएगा, आपने मेरे वीडियो को देखा, पसंद किया, मेरे हुलिये पर मत जाइए, मैंने 2-3 दिन से बता रहा हूँ हालात बेहद गंभीर है, अस्वस्थ तो नहीं कहूँगा, बेचैन और परेशान हूँ, कुछ निजी कारणों की वजह से अस्वस्थ तो नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन कुछ निजी कारणों से परेशान हूँ, वह भी ठीक हो जाएगा। इस फेलोशिप को भरें जो कि निकाली गई है गूगल पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम 2020, आप गूगल पर जाएंगे आपको मिल जाएगा। कोरोना से सेफ रहें, सरकार के बताए हुए नियमों का पालन करें, यदि सरकारी नियमों का आदेशों का पालन नहीं करते हैं सरकार के द्वारा आप पर एक्शन लिया जाएगा, एक्शन की नौबत ना आए इसलिए स्वयं की रक्षा करें, सरकार के नियमों का पालन करें, अपनी भी रक्षा करें। कोरोना और कानून
कोरोना के संदर्भित क्या कानून है उसको लेकर मैं नया वीडियो बनाने वाला हूँ, जो 1 से 2 दिन में आपको प्राप्त होगा। कौन कौन से CRPC के और IPC के प्रावधान हैं जो कोरोना या किसी भी बीमारी का या किसी भी सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर आपको दिए जा सकते हैं, उसके लिए उस वीडियो का वेट करिएगा। आपने इस लंबे वीडियो को धैर्य से सुना और समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम साथियों, नमस्कार।